हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, ये जो पत्ते देख रहे हैं, ये एक ऐसा पेड़ का पत्ता है। पहले आप लोग देख लीजिए, हो सकता है आप लोगों को भी इस पेड़ों के बारे में मालूम हो। फ्रेंड, आज जो पौधा मैं दिखाने जा रही हूँ, आप ये वीडियो पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए, आप लोगों के बहुत काम आएंगे। फ्रेंड, आजकल हर घर में शुगर पेशेंट, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, बहुत रोग आजकल की हमारे शरीर में है, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। फ्रेंड, अगर नया करके मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग, तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल कर देना। मैं जो भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को दिखाई दे। फ्रेंड, ये जो पेड़ है इंसुलिन प्लांट, इस पौधे की सिर्फ 2 या 3 पत्ते खाने से आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर करना, ताकि सबका घर में, सबका घर का ताप में ये इंसुलिन प्लेन रखे। फ्रेंड, ये एक आयुर्वेदा प्लेन है जो शुगर रोगी और थायराइड जिनका भी है उनका कम हो जाएगा। ये आयुर्वेद की एक पौधा है जो व्यक्ति 450 की ऊपर शुगर बढ़ गया है, इंसुलिन ले रहा है, वो इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस पौधे की सिर्फ 2 पत्ते या 3 आप रोज खाली पेट खाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों ये पत्ते जब खाली पेट आप लोगों को खाना है, तब पानी मत पीजिए, कम से कम 1.5 घंटे या 1 घंटे तक आप लोग 7 दिन सिर्फ इस पौधे की पत्ते खाकर देखिए, आपका जो शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक इंसुलिन ले रहे हैं शुगर के कारण, उनका इंसुलिन लेना बंद हो जाएगा। फ्रेंड, इस पेड़ों की और एक गुण है फ्रेंड, ये पेड़ों की जब थानिया होती है, उस थानियों से उसका दूसरा पेड़ जन्म होता है। ये देखिए फ्रेंड, एक आलू जैसा है, ये जो रेड रेड उस पेड़ का थानिया होती है, इस थानियों से ये निकला है और उसको काट के आप दोबारा लगा सकते हैं। तो पता है एलोपैथिक का जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, सिर्फ उस बीमारी को जड़े से खत्म नहीं करता है, कुछ दिनों के लिए आराम मिलता है। जैसे इंसुलिन, हम लोग डायबिटीज पेशेंट जो व्यक्ति है वो लोग लेते हैं, उन लोगों को पता है इंसुलिन लेने के तुरंत 15 मिनट या 1/2 मिनट की तुरंत बाद ही खाना खाना पड़ता है। और कितना प्रॉब्लम होता है, हर कोई जगह जाओ इंसुलिन लेके जाओ, समय समय पर इंसुलिन लो, तो ये पत्ता सिर्फ 2 या 3 पत्ता आप रोज़ खाने से अपना जो भी वो प्रॉब्लम है सारा ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने उसी थानियों से ये काट लिया है, अभी मैं दूसरे ताप में लगाऊंगी, क्योंकि ये पौधा इतना आसानी से नहीं मिलता है, इसीलिए इस पौधे को जिंदा रखने के लिए मैंने और दूसरे ताप में लगा दिया, ताकि ये हमेशा घर में ही रहे। क्योंकि मेरा हस्बैंड का बहुत ही शुगर लेवल ज़्यादा है, ये पत्ते खाने की बाद ही उसका शुगर कम हो गया है, इंसुलिन लेना बंद हो गया है उसका। फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड, मैंने लगा दिया दूसरे ताप में। ये पौधे मेरे हस्बैंड को उसकी एक फ्रेंड ने दिया था, जब मेरी हस्बैंड की शुगर लेवल 500 की ऊपर हो गया था, तब उसने ये पौधा की पत्ते 10 पत्ते लेके उसको दिया था, तभी से ये पत्ते हमारे घर में है और मैंने उसको हमेशा जिंदा रख। फ्रेंड, ये जो पौधा है सिर्फ शुगर रोगी के लिए ही नहीं, ये जिनका थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, थायराइड के कारण शरीर में हमेशा दर्द रहता है, ये पौधा के पत्ते खाने से भी वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। थायराइड
और शुगर दोनों के लिए ये बहुत ही लाभदायक गुणकारी पौधा है फ्रेंड। और जो व्यक्ति इतना मोटापन के कारण बहुत सारा शरीर में बीमारी आ गई है, फैटी लीवर के भी ये काम आएगी, ये पत्ते खाने से शरीर में बहुत रोगों के लिए ये लाभदायक होगी। ये पत्ते ऐसा है जैसे संजीवनी बूटी बोलते हैं ना, ये ऐसा एक पौधा है। आप लोग YouTube पे सर्च कीजिएगा इंसुलिन प्लान बोल के, तब पता चलेगा। मैंने दो छोटी छोटी क्लिप दिया है वीडियो, आप लोग प्लीज़ देख लेना, वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो आप लोग देखिए। डायबिटिक को और मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ इंसुलिन प्लांट, जिसको हिंदी में केस कंद भी बोलते हैं। ये देखिए, ये पौधा है इंसुलिन प्लांट का, ये आपको नर्सरी में मिल जाएगा। और इसके पत्ते इस तरह के होते हैं, देखें, और इसका फूल इस तरह से होता है, ये है, देखिए आप। अच्छा, इसमें ये जो इसके तने हैं, दो तरह के होते हैं, एक लाल तने वाला और एक होता है सफेद तने वाला। तो सफेद तने वाला ये देखिए, ये सफेद तने वाला है। तो अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों के गुण धर्म एक होते हैं। अगर इसके दो पत्ते रोजाना लिए जाए, ये दो पत्ते सुबह सुबह दो पत्ते लें और पानी फानी कुछ ना पिए डेढ़ घंटे तक, तो 15-20 दिन के दो पत्ते यूज करने से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना बंद हो जाएगा। और अगर ये लगभग तीन महीने मतलब 90 दिन प्रयोग किए जाएं, तो 450-500 वाले जो मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटीज के रोगी हैं, उनका लेवल भी नीचे आ जाएगा। तो इस पौधे को पहचान लें, यह है इंसुलिन प्लांट और हिंदी में इसको केवकंद बोलते हैं। That have already been in use by the natives of a particular place. This plant is native to Central and South America and only came to India much later. But once it did, it grew increasingly popular as the insulin plant, supposedly due to word of mouth publicity as an effective natural diabetes medicine. Okay, but what does the science say? Lots of research has been conducted to check the diabetes controlling effect of this insulin plant. 17 different studies have been carried out on animals and animal tissue. These studies have shown that extracts from the leaves of the insulin plant successfully reduced blood glucose levels. All right, and human studies? Now, this is where the research is yet to catch up. Only one study has been conducted on persons with diabetes so far, at the Kasturbaugh Medical College in Manipal, India. The study found that chewing on one fresh leaf of the insulin plant or consuming one teaspoon of the dried leaf powder daily helps in regulating blood glucose levels in persons with diabetes. The authors of this study suggested that since they observed the effects to kick in from the 15th day of consumption, it is important for the leaf to be taken regularly to see a beneficial effect. Before you start hunting for the insulin plant at your local nursery, here's another research finding that you must consider. A study of the leaves of the insulin plant showed that they contain high quantities of palmitic acid. This substance is known to have harmful effects, such as damaging of heart muscle cells in rats and increasing the bad, LDL, cholesterol in humans. So, the researchers of this study advise against the long and continuous use of the insulin plant. Therefore, more research is needed that confirms the insulin plant's positive effects on blood glucose, apart from ensuring that it is safe for humans. Until then, it is best to wait before reaching out for this natural cure.